हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। अपने आपके चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, इधर हम नहा के आ गए हैं और इधर धुल रहे हैं पूजा के बर्तन। तो ये पीताम्बरी से पूजा के बर्तन साफ़ करो तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बिल्कुल नए जैसे चमकते रहते हैं। तो अगर पीताम्बरी ख़त्म होता है तो सच में दोस्तों बर्तन इतने काले काले हो जाते हैं हमारे पूजा के, बहुत ज़्यादा। तो वही आदत सी हो गई है, अब बर्तन भी अब नहीं साफ़ होते हैं। और किसी से राख वाख से साफ़ कर लो या सरफ से तो नहीं होते हैं साफ़, दाग दाग से पड़ जाते हैं। तो बर्तन तो दोस्तों हम पीताम्बरी से ही धोते हैं। और अभी टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं। तो आज थोड़ा लेट हो गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी हो जाता है, सुबह 8 बजे तक खाना भी बन जाता है और फिर पूरे दिन फिर ही कोई काम नहीं। फिर 2 बजे आते हैं बच्चे स्कूल से तो फिर काम दोपहर के हो जाते हैं, थोड़े बहुत बच्चों को खाना आना देना बस। और जिस दिन छुट्टी है होती है तो उस दिन तो थोड़ा बहुत काम लेट हो ही जाता है। आराम आराम से करो, सुबह जल्दबाजी नहीं रहती है और कपड़े वपड़े धुल के भी नहाना धोना होता है। और जिस दिन बच्चों का स्कूल होता है तो सुबह सुबह जल्दी नहा लेते हैं, कपड़े वगैरह नहीं धुलते हैं। तो और आज ईद है, ईद की है छुट्टी, तो बच्चे तो आज घर पर हैं अन्नू और शिवा। तो आज नवरात्रि का है 3रा दिन। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत ढेरी सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें और सब लोग अच्छे से रहें, खुश रहें। माता रानी इतनी खुशियां दें, इतनी खुशियां दें आप सबकी झोली में कि आपकी झोली ही छोटी पड़ जाए। तो दोस्तों चलिए चलकर करते हैं पूजा। तो इधर देखिए दोस्तों, मैंने कान्हा जी को भी नहला दिया था और इधर हो रही है मेरी पूजा। कान्हा जी को आज मैंने तैयार किया था, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे तैयार करने में, तो खूब अच्छे से आज मैंने उनको तैयार किया था। तो दोस्तों इधर पूजा करने के बाद आ गए हैं हम खाना बनाने के लिए। खाना में मैंने बनाई है दाल, चना और उड़द की मिलाकर दाल बनाई है। तो अभी दाल में मैंने तड़का नहीं लगाया है, तो क्योंकि प्याज और लहसुन का तड़का लगेगा नहीं, बस हींग और जीरे का लगेगा तो वो लगा देंगे हम। तो एक तरफ मेरा दूध गर्म हो रहा है, एक तरफ बना ली है मैंने रोटी और दाल भी मेरी बन गई। उधर कुकर अभी मैंने खोला नहीं है क्योंकि दोबारा से उसमें सीटी लगानी पड़ी थी, जब मैंने पहली बार बनाई थी तो नहीं बनी थी अच्छे से, गली नहीं थी दाल, तो दोबारा से सीटी लगा के उधर मैंने रख दिया। मैंने कहा थोड़ी ठंडा हो जाए, गैस निकल जाए, उसके बाद खोलेंगे, तब तक रोटी सेंक लेते हैं। और लगभग दोपहर ही हो गया है आज, 1 बज गया है, 1 बजे का टाइम है। तो आ जाइए आप सभी खाना खा लीजिए। और व्रत तो मेरा मैंने पूरा नहीं रखा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए मैंने नहीं रखा है व्रत पूरा, आगे पीछे के रखे हैं। दोस्तों आप सबने कैसे रखे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो और सब लोग अपने अपने घर में पूजा कर रहे हैं, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। तो दोस्तों पूजा करते टाइम लाइट चली गई थी, आज लाइट सुबह से ही ख़राब थी हमारे यहाँ, 5:30 बजे 5 बजे लगभग लाइट चली गई थी। तो पता नहीं क्या कुछ हो गया था, कहीं तारा जल गए थे तो लाइट चल नहीं रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि फिर अंधेरा अंधेरा लगता है तो अच्छा नहीं लगता। फ़ोन की लाइट उतनी नहीं जलती है, जो वीडियो बनाओ उससे लाइट जलती है तो उतना अच्छा नहीं दिखाई देता है। लाइट होती है तो अच्छे से वीडियो भी दिखाई देती है और समझ में भी आता है, तो आप सबको अच्छा लगेगा देखने में। यह काली काली वीडियो बनती है तो अच्छा भी नहीं लगता है, मुझे ही नहीं अच्छा लगता है, तो आप सबको क्या अच्छा लगेगा। और इधर अन्नू बना रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी, वही हम वॉइस ओवर कर रहे तो खटखट की आवाज़ आ रही है। तो इधर लगा दे रहे हैं दाल में तड़का, बस हींग और जीरे का ही लगाने हैं। और दाल मैंने थोड़ी सी ही बनाई है अब के लिए, तो क्योंकि उड़द और चना की दाल होती है बादी और मुझे करती है नुकसान, एक बार तो खा लेंगे अगर दूसरी बार खाई तो मुझे नुकसान कर जाती है, तो इसीलिए हम थोड़ी ही बनाते हैं। तो इसी मैंने इसीलिए थोड़ी बनाई है। और इधर देखिए तेल हमारा गर्म हो रहा है और इसमें डाल देंगे हींग जीरा थोड़ा सा।
और बहुत जल्दी तेल गर्म हो जाता है, चिमचिया में गर्म करो तो बहुत जल्दी आग लग जाती है तेल में। और दाल तो मुझे ज़्यादातर हींग जीरे की ही, कोई सी भी हो हींग जीरे की ही तड़का का अच्छा लगता है, नहीं तो नहीं, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है लहसुन प्याज की छुकी हुई। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो भैया दीदी चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए, हमारी रोटी भी बन गई है और उसके बाद आप सबको मिल रहे हैं शाम को, इधर हो रही है मेरी शाम की पूजा। तो दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी।